शरीफ के नवाही इलाके तरनन बशारत की बस्ती में जमीयत उलमा इस्लाम के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अमजद खान की हजरत मौलाना कारी मोहम्मद सादक के भाई और दीगर की तशरीफ आवरी और तजियत। इस मौके पर हजरत मौलाना खलीलुर्रहमान दरख्वास्तगी, मौलाना कलीम अहमद लधियानवी, मौलाना जलीलुर्रहमान कारी मजीबुर्रहमान, मौलाना मोहम्मद असलम मद्दी, मौलाना समीउल्लाह उस्मानी हमराह थे। मौलाना मोहम्मद अमजद खान का इस मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तब्दीली सरकार ने गरीबों से जीने का हक भी छीन लिया और नए पाकिस्तान के नाम पर वजूद में आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आवाम से जीने का हक भी छीन लिया। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की शरह इस कदर बढ़ चुकी है कि कौम न सिर्फ खुदकशियों पर मजबूर हो चुकी बल्कि जो लोग कल तक तहरीक इंसाफ के हामी थे वो अब इनकी नाकस हुकूमत अमलियों और नाकाम पॉलिसियों की बदौलत इन्हें बुरा भला कह रहे हैं। तब्दीली सरकार ने अपने 3 साल दौरे इक्तदार में मुल्की मौशियत का इस कदर बेड़ा गर्क कर दिया जिसकी माजी में दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलती। सूदे निजाम मौशियत ने मुल्की मौशियत को मफलूज कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी से तमाम तबकात परेशान है। इमरान खान की लच्छादार तकरीरों से आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। मजीद इनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक का ऐलान भी कर दिया।